व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज के एक और नई गेम प्ले वीडियो लेके वापस अब गाइस। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं राइज ऑफ टॉम रेडर, मतलब ये न्यू सीरीज होने वाली है चैनल पे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस वाली गेम में हम लोग प्ले कर रहे हैं लारा क्रॉफ्ट का कैरेक्टर, और भाई आ जाओ गेम की तरफ चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाई, हम लोग एक स्नो वाले माउंटेन, मतलब पूरे तरह के तुम ये समझ लो माउंट एवरेस्ट में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इन दोनों की बातचीत चल रही है, ये लारा क्रॉफ्ट और ये इसका दोस्त है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया, मतलब ये जो लारा क्रॉफ्ट है ये कुछ ढूंढ रही है, किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही है। पूरा तो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन गेम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता लगता जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये इसका दोस्त है, ठीक है ठीक है भाई, जोना नाम है। ओके ठीक है, ये लोग द लॉस्ट सिटी के बारे में आई थिंक रिसर्च कर रहे हैं। ये जो माउंटेन है इसको क्रॉस करके आई थिंक कोई लॉस्ट सिटी आने वाली है, जिसको कि मतलब ये लोग ढूंढ रहे हैं। बाकी फिलहाल ये कह रहा है कि हम लोग पहुंच तो सकते हैं, लेकिन जो ये बर्फ टूट टूट के गिर रही है ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। आगे फिलहाल चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है भाई। लेकिन गेम के ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। हाँ ठीक है, इजी चल रहा हूँ भाई, ऐसे तेज से चलूंगा ना मैं गिर पड़ूंगा भाई, पैदल ही चलना पड़ेगा भाई। बहुत तेज विंड चल रही है यार, हवा, चलते रहो बस चलते रहो भाई, रुको मत एक जगह, अगर रुक गए ना तो फिर तो हो गया काम अपना। बाकी अपने जो शूज है ना वो थोड़े से स्पाइक वाले हैं, तो हेल्प मिल रही है चलने में, नहीं तो यार यहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाए चलने में। फिलहाल जहाँ पे पैर रखो यार, पैर पूरा अंदर चला जा रहा है यार लिटरली यहाँ पे, मतलब भाई टूट गई टूट गई भाई, बच गया मैं, बहुत बचा हूँ भाई, साइड से बर्फ टूट गई पूरी। ठीक है तू चल यार, तू चल भाई, बस रुको मत यहाँ पे भाई। अबे रुक 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 रुक, मुझे मारना पड़ेगा, बच गया, लटक गई। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, किधर से चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ नहीं पाएंगे, इधर से जाना पड़ेगा आई थिंक। हाँ ठीक है, इधर से रास्ता है। ओके जंप मारनी पड़ेगी, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आई थिंक ये यहाँ पे अपना वो लग जाएगा। हाँ ठीक है, चढ़ गए, बहुत बढ़िया भाई। भाई क्या यार, एकदम से भाई बर्फ टूट रही है यार, यहाँ से आई थिंक नहीं चढ़ पाएंगे हम लोग, ये फिसल जाएगी, ये फिसल यहाँ से आई थिंक अपना जो ऐसे उससे चढ़ पाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया। चलो स्पेस बहुत बढ़िया ग्रैब कर रही है, ये जो बर्फ है ना इसके अंदर एक्स घुस जाती है, इस वजह से यहाँ से थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इधर से आई थिंक नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हम लोगों को राइट जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ से चढ़ जाएगा, बढ़िया एक बार और, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से इधर से चढ़ जाएगा क्या, आई थिंक नहीं चढ़ पाएगा, इधर से मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा, लेफ्ट से जंप मारनी है, जंप मार के पकड़ ले यार, पकड़ ली, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया, यहाँ से अब शायद यहाँ से मुझे डायरेक्ट जंप लगानी पड़ेगी। पकड़ लियो भाई, तू मेरा हाथ पकड़ लियो, जंप मार दी, नहीं, रुको, देख के मारनी पड़ेगी यार, पकड़ ले बस ये, ए पकड़ ले, बढ़िया पकड़ लिया जोना भाई, बढ़िया यार। चल भाई ऊपर तो आ गए फिलहाल यार, भाई जरा सा भाई बर्फ धस रही है, हम लोगों को निकलना पड़ेगा यहाँ से, बहुत ज्यादा धस भाई, मतलब जहाँ पैर रखो यार बर्फ पूरी अंदर को चली जा रही है यार, मतलब ये जो क्या बोलूँ मैं इसको, फिर से ना टूट जाए यार। मैं सोच रहा हूँ कोई केव वेव के अंदर चलते हैं, आगे गुफा एक दिख रही है उसके अंदर चल के देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। फिलहाल तो यहाँ पर तो रहना यार खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने देखा यार मैं गिरते गिरते बचा, अगर मेरे पास एक्स ना होते तो फिर तो काम हो गया था। फिलहाल ट्रैकिंग के लिए आए तो एक्स तो होती है भाई सबके पास में, लेकिन तब भी यार यहाँ पे लाइट जलाते हुए भाई क्या लग रही है यार, ये केव यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या? आई थिंक हम लोग दूसरे पहाड़ पर पहुँच जाएंगे इसके थ्रू, लेट्स गो गाइज। यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसके बाहर आ चुके हैं केव के, लेकिन यहाँ पे तो और ज्यादा भाई विंड चल रही है, आगे और ज्यादा भाई पतला रास्ता है क्या? अरे स्टॉर्म, ठीक है, हाँ हम लोगों को बस में थोड़ा ही टाइम बचा है, मतलब जल्दी पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को टॉप के माउंटेन पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब जितने भी ये तुम दरार देख रहे हो ना, ये सब टूटना चालू हो जाएंगे उस जैसे ही स्टॉर्म आएगा। हम लोगों को लास्ट बार क्लाइंब करना है। फिलहाल हम लोग एक दूसरे से जो हुक है उसको कनेक्ट कर लिया, ताकि हम में से एक कोई गिरे तो दूसरा वाला बचा ले। फिलहाल ये इसको तो मैं बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है देखने में ये तो। आगे मुझे जंप मारनी पड़ेगी आई थिंक, यहाँ से जंप मारनी पड़ेगी, इधर रास्ता भी नहीं है, आगे निकालता हूँ उनको। 1 2 3 पकड़ ले, बढ़िया, जल्दी चढ़ना पड़ेगा, बढ़िया चढ़ तो रही है यार लड़की, लारा क्रॉफ्ट तो है तो भाई तेज यार ये लड़की, कुछ भी हो पकड़ रही है। अरे, टूट रही है क्या भाई, टूट रही थी तो कुछ, जल्दी आना पड़ेगा। अरे भाई बच गया,
भाई मैंने सोचा सीधे मेरे मुंह के ऊपर गिरेगा आके, लेकिन बच गया यार किसी तरह। यहाँ से आई थिंक किधर जाना है हम लोगों को? ऊपर, ओ यहाँ से हम लोगों को जंप मारनी है राइट साइड में। नहीं, ऊपर नहीं जा पाएंगे राइट साइड में। बढ़िया ग्रैब तो कर लिया इसने। अब इधर से किधर जाना है यार हम लोगों को? इधर से ये होल्ड कर पाएगी लड़की? ये पकड़ लेंगी आई थिंक। पकड़ लिया। बर्फ का मतलब जहाँ पे ये रहता है ना, ये यहाँ पे होल्ड हो जाता है, मतलब एक्स अंदर चली जाती है ना, घुस जाती है बर्फ के अंदर, बट बहुत जल्दी टूट जाती है। अगर हम लोग एक जगह पे काफी देर के लिए रुक जाएंगे ना, तो फिर तो ये टूट जाएगी बर्फ। जैसे ये देखो, मैंने बोला था ना कि एक जगह अगर हम लोग काफी देर रुकेंगे तो कोई कोई बर्फ होती है वो गिर जाती है, जो ढीली होती है थोड़ी सी। बाकी जंप मारनी पड़ेगी मुझे। पकड़ लिया। भाई क्या बचा हूं मैं, मुझे तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। देखो ये जंप मैं नहीं मार पाएगा, जो मेरे साथ में ये झोना चल रहा है ये जंप इतनी लंबी नहीं मार पाएगा, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऊपर से इसको खींचना पड़ेगा जाके। ये भी यही कह रहा है, यही करते हैं। फिलहाल हम लोग जल्दी से ऊपर चलते हैं, देखते हैं रास्ता कहाँ से होगा। यहाँ से आई थिंक हम लोगों को सीधे डायरेक्ट जंप मारनी पड़ेगी ऊपर को। मार पाएगी क्या? मार ले यार जय, मार ले। 1 2 3 नहीं यार, बढ़िया पकड़ लिया। भाई ये हाथ से पकड़ा है लिटरली, बहुत बढ़िया, नाइस, पकड़ लिया। पहुंच गए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और भाई वो रही अपनी लॉस्ट सिटी जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। फिलहाल भाई क्या लग रही है यार लॉस्ट सिटी, ये क्या हो रहा है? भाई अभी बिजली गिर रही है क्या? देखो भाई, अरे यार ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? अरे यार शिट, भागना पड़ेगा यहाँ से। पकड़ ले। बहुत सी यार, बढ़िया। यहाँ से एक और पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। भाई भाग, पीछे से स्टॉर्म आ रहा है। भागो। सामने मुझे जंप लगानी पड़ेगी, वो जो तुम लोगों को रॉड दिख रही है ना, वहाँ जंप लगानी पड़ेगी। पकड़ लिया। अब रोप से जाना। हाँ ठीक है। अरे यार मैं फंस गया यार, बहुत बुरा फंस गया। अबे ये क्या हो गया? टूट गई बर्फ भाई, नीचे जा रही है। एक्स मार। पकड़ ले, अरे होल्ड हो जा, लास्ट में जाके पकड़ा यार। अभी ऊपर से स्टॉर्म आ रहा है, पर जंप मारी तो पकड़ लिया। बच गया यार मैं, बहुत ज़्यादा भाई भागना पड़ेगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत तेज टूट रही है बर्फ। अरे इधर से, नाइस। बढ़िया। यहाँ से एक और बच्चा। पकड़ लिया फाइनली। अबे भाई बर्फ के साथ में, स्टॉर्म के साथ में यार, जो जिसका डर था वही हो गया यार, लेकिन मैं जिंदा बच गया, वही बहुत है। अब आगे देखते हैं यार। 2 weeks earlier, अच्छा 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था हम लोगों के साथ में? भाई हम लोग किसी रेगिस्तान वाले इलाके में, ओके ये, ओ किसी गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, कहाँ जा रहे हैं? ओके ये लारा क्रॉफ्ट का दोस्त है आई थिंक, ये हम लोग कहीं पर जा रहे हैं। फिलहाल इसकी स्टोरी ये है कि ये जो लारा क्रॉफ्ट है, ये अपने पिताजी की एक रिसर्च कर रही थी, जिसमें कि यार जो उसके पिताजी एक चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे कि हम लोग सीरिया में है, ठीक है, यहाँ पे आत्माओं को मतलब कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे जिंदा कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनकी रिसर्च को कुछ झूठा उठा साबित कर दिया गया था। तो लारा क्रॉफ्ट को यार उसका जो बहन थी वो मना भी कर रही थी, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर सीरिया में आ गई है। और जो ये इसका दोस्त है, इसने यार मिलिट्री वालों को बता दिया कि यहाँ पर एक लड़की आई है, तो मिलिट्री वाले हम लोगों के पीछे पड़ गए, जिन्होंने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। फिलहाल यार ये, इसको मैं क्या ही बोलूँ यार, देख लिया भाई तूने, अब वो लोग मानेंगे भी नहीं यार, ये भी मरेगा मुझे भी मरवा देगा ये। भाई सामने आ गया, सामने आ गया, मरे, अरे मर गया। अबे यार भाई ये पागल होते हैं यार सही में, अगर ये ना बताते तो हम लोग इजिली पहुंच जाते यार वहां पे, लेकिन इसने बता दिया। बट आई थिंक मैं बच गया हूँ, ठीक है, लारा बच गई है, लेकिन वो मर चुका है और मिलिट्री वाले भी जा चुके हैं, उन्होंने सोचा कि हम लोगों की गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है तो हम लोग भी मर गए होंगे। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे कुछ अपनी जो रिसर्च है वो नीचे जाके ढूंढनी है। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ सीरिया पे हैं हम लोग फिलहाल, और जो मेरा दोस्त था वो मर चुका है। फिलहाल ये 2 हफ्ते पहले की कहानी थी, और आगे की स्टोरी भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम चाहते हो कि मैं अलग सीरीज कंटिन्यू करूं, तो वोट फॉर नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब मार दो चैनल को, अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।